सबसे पहले खबरों को जरा खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि यहीं काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दौरा जो है वो संपन्न हुआ है, संपूर्ण हुआ है, और इस दौरान उन्होंने जो जो किया है उसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। पीएम मोदी का 2 दिन का काशी दौरा अपने कई उद्देश्यों को पूरा करने के बाद समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री की बनारस यात्रा में काशी विश्वनाथ से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर तक के तमाम आध्यात्मिक रंग हैं। इसमें काशी वाली भक्ति से चुनावी शक्ति लेने का सूत्र है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विकास कार्यों वाला प्रेजेंटेशन है जिस पर पीएम मोदी की कड़ी नजर थी। हम वाराणसी में पीएम मोदी का मध्य रात्रि संदेश भी डिकोड करेंगे। बनारस के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वहां की गलियों में पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ नाइट वॉक की। हालात का जायजा लेने के लिए मंत्रियों का रात्रि पहर में निकलना किस्से कहानियों का हिस्सा रहा है, लेकिन यूपी में चुनाव से पहले इस वॉक में और प्रधानमंत्री के हर एक्शन में राजनीतिक संकेत भरे पड़े। इस पर आज तक की मिडनाइट रिपोर्ट देखना जरूरी है। इसके बाद कश्मीर में आतंकियों के पुलवामा जैसे दूसरे षड्यंत्र का विश्लेषण करेंगे। सवाल यह है कि क्या श्रीनगर में पुलवामा पार्ट 2 की तैयारी थी? आतंकवादियों ने जिस तरह घात लगाकर पुलिसकर्मियों से भरी बस पर हमला किया वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। आज पुलिसकर्मियों की छलनी बस के एक एक हिस्से का विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह जैश के आतंकियों के जरिए भारत को गहरे जख्म देने के प्रयास किए हैं। इस बड़ी खबर की इनसाइड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। और आज ब्रिटेन की राजधानी लंदन से लेकर भारत के महानगरों तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े खतरों को भी समझना होगा। यह बहुत चिंताजनक है कि ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इस मौत पर अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को सावधान रहने की सलाह दी है। दूसरी तरफ WHO इस नतीजे पर पहुंचा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैल रहा है और यह वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। नया वेरिएंट कितना जानलेवा होगा इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इससे मौतों के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में अस्पतालों को विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है। ऐसे हालात में आज तक की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने लंदन से आपके लिए रिपोर्ट भेजी है और हमारी टीम ने भारत में ओमिक्रॉन लहर के पूर्वानुमान पर भी एक जमीनी रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन खबरदार की शुरुआत हम काशी से ही कर रहे हैं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का जो दौरा था वो आज संपन्न हुआ। बहुत सारे संकेत इसमें से निकल कर आए, कुछ धर्म से जुड़े, कुछ आध्यात्म से जुड़े, कुछ विकास से जुड़े। इन सभी सूत्रों को किस तरीके से पिरोया गया है वो एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से निर्धारित होता है। अब देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, लेकिन साथ साथ संत रविदास घाट जाकर वहां से रोरो फेरी भी उनकी निकल पड़ी। उन्होंने अपनी क्रूज को भी खूब दिखाया लोगों के सामने, और साथ ही जब रात के पहर में जब सारे लोग सो रहे थे तो रात लगभग 1 से 1.5 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम चीजों का जायजा लिया। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर क्या संकेत देती हैं? और उसके बाद आज अगर आध्यात्म के धाम वो पहुंचे, स्वरवेद धाम में वो पहुंचे और उसके वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया, उसके बाद जब उनका दिन का समापन यहां पर हुआ तो एक रैली को उन्होंने लोगों को उसके जरिए संबोधित किया, लेकिन सियासत भी इस दौरे पर खूब हुई है। पीएम मोदी के काशी दौरे के दूसरे दिन भी आस्था और विकास का अलौकिक संगम दिखाई दिया। सोमवार को विश्वनाथ मंदिर के बाद आज पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का दौरा किया, जो काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का ही प्रतीक है। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव, स्वतंत्रता आंदोलन में सदगुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में निर्माणाधीन विशाल साधना केंद्र स्वरवेद महामंदिर अपने आप में अनोखा है। काशी के स्वरवेद महामंदिर धाम में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय मेडिटेशन किया जाता है, यानी ये एक मेडिटेशन सेंटर है।
64,000 वर्ग फीट में बन रहे 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर में विहंगम योग के 98वें वार्षिक उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। काशी की ऊर्जा अक्षुण तो है ही, ये नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुँचना और वो उत्सुकता क्या केवल एक हेलीकॉप्टर की है? सीधे तौर पर हम कहें तो यहाँ पर मौजूद लोगों के मन में यही बात चलती रही कि किस तरीके से उनके धाम को महत्व दिया जा रहा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोगों के मन में बहुत बड़ी जगह बना देती हैं और वही आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री का जो समूचा दौरा रहा है वो धर्म, आध्यात्म और इसके साथ ही हम कहें तो विकास का एक संतुलन दिखाने का प्रयास है और ये लोगों के मन के बीच पहुँचता नजर भी आ रहा है। पीएम मोदी को मल्टीटास्किंग में महारत हासिल है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में दूसरे दिन पीएम मोदी ने राजनीति की क्लास भी लगाई। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों और 2 राज्य के उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में कराए गए विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों की समीक्षा भी पीएम मोदी ने की। पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की इस बैठक का मुख्य एजेंडा भले ही गुड गवर्नेंस हो लेकिन आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई काम किया है तो उसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो इसका खामियाजा जो है वो चुनाव के अंदर पार्टी और सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। बड़े से बड़ा आलोचक भी पीएम मोदी की इस काबिलियत को मानेगा कि पीएम मोदी को विकास कार्य करवाने भी आते हैं और उनका प्रचार करना भी, लेकिन अपने विरोधियों और आलोचकों के बयानों के बीच पीएम मोदी बतौर काशी के सांसद अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। वो दिन भी याद करिए जब आप यहाँ आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। काशी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी ने धार्मिक प्रतीकों का भरपूर इस्तेमाल किया। काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले एक सामान्य तीर्थयात्री की तरह गंगा स्नान किया, गेरुआ वस्त्र धारण किए बाबा विश्वनाथ के दरबार तक खुद जल लेकर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का पूरे विधि विधान से पूजन किया, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड। दरअसल पीएम मोदी ने काशी से यूपी चुनाव को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की, जिसे देखकर विपक्षियों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को जो जनता की आवाज है
उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। अपने संसदीय क्षेत्र काशी में दो दिन बिताने के बाद पीएम मोदी वापस लौट आए हैं, लेकिन उनकी इस काशी यात्रा का इफेक्ट आने वाले चुनाव में भी दिखे, इसके लिए उन्होंने काशी के विकास को धार्मिक प्रतीकों के साथ जोड़कर देखने और दिखाने की कोशिश की। आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। वाराणसी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दो दिनों के दौरे में लगभग हर एक चीज की जो कि चुनावों से पहले के इस समय में की जा सकती थी। एक तो जितने भी कामकाज किए गए उन सबको कुछ इस तरीके से सामने रखा कि वो दिखा सकें कि देखिए हमने जो वादे किए वो पूरे किए। सियासत इस पर हुई, सवाल उन पर उठाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक हुई। और एक तरह से समझिए कि न सिर्फ उसमें प्रेजेंटेशन उन मुख्यमंत्रियों का था, बल्कि प्रधानमंत्री के इन एक्शंस का उन मुख्यमंत्रियों के लिए संदेश भी था। संदेश क्या कि जब भी कोई शासक होता है, जब भी कोई सत्ता में होता है, अगर कोई कामकाज कर रहा है तो क्या वो स्वयं जाकर उसका निरीक्षण करता है? प्रधानमंत्री रात में ही निकल गए थे, हालांकि दिन के समय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्होंने समय बिताया था, लेकिन शायद वो समय थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसीलिए रात के समय एक बार फिर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर निकले। वहां पर एक एक जगह पर रुक रुक कर उन्होंने हर एक चीज को देखा। उसके बाद जब बाहर निकले तो रेलवे स्टेशन समेत और भी कई इलाकों में जाकर और देखा कि जो कामकाज की प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई थी और जिस कामकाज की शुरुआत हुई थी वहां पर दरअसल हुआ क्या है। ये प्रधानमंत्री का नाइट आउट है, देखिए ये रिपोर्ट। कल रात 12:30 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। कहते हैं कि सपना वो नहीं होता जो सोते हुए देखा जाए, सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। आधी रात का वक्त था, पीएम मोदी की आंखों में नींद नहीं थी, वो काशी के विकास के अपने सपने को पूरा होते देखने निकल पड़े। काली जैकेट पहने और कंधे पर मफलर डाले पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ काशी की सड़कों पर विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए थे। वीडियो में दिख रहा है कि जिस सड़क से पीएम मोदी गुजर रहे हैं उसके दोनों तरफ स्पेशल लाइटिंग की गई है। स्ट्रीट लाइट को भी तिरंगे एलईडी से सजाया गया। तभी पीएम मोदी की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अपने पिता की गोद में था। पीएम मोदी उस बच्चे के करीब गए, लाड प्यार किया। सोमवार का दिन बाबा विश्वनाथ के चरणों में बिताने के बाद पीएम मोदी फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। यहां रात के वक्त स्पेशल लाइटिंग अलग ही छटा बिखेर रही थी। प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ काफी देर तक विश्वनाथ मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान दोनों ने काशी के विकास को लेकर राय मशविरा भी किया और इसके बाद पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक सीएम योगी के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वो टहलते रहे।
पीएम मोदी वहां मौजूद यात्रियों से भी मिले। बाद में पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों की दिशा में काम कर रहे हैं। काशी की नाइट वॉक के अनुभव को पीएम मोदी ने आज कुछ यूं शब्दों में बयां किया। आज जब हम बनारस से बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाई और बहनों, आज आप लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, आप अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से आए हैं, आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं, कितना कुछ लेकर आए हैं। आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव, कितना कुछ लेकर जाएंगे। पीएम मोदी की इस नाइट वॉक की दो वजह थी। एक तो ये कि वो देखना चाहते थे कि रात के वक्त काशी नगरी अब कैसी सुंदर छटा बिखेरती है, और दूसरी वजह ये थी कि वो काशी के लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काशी भ्रमण के लिए रात का वक्त चुना। वो यही वही जगह है जिस इस पूरी जगह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 1:13 पर रात में योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर का इन्होंने जायजा लिया। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन्हीं रास्तों से, इन्हीं जगहों से प्रधानमंत्री गुजरे, उनके साथ पूरी सिक्योरिटी थी और रात का समय 1:13 का था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि काशी में अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है और VIP मूवमेंट होने के बाद वो बढ़ जाती है, तो प्रधानमंत्री ने देर रात का समय इसलिए चुना कि उनके मूवमेंट की वजह से आम जनमानस को परेशानी ना हो और वो सरल सुगम तरीके से, जिससे काशीवासियों को दिक्कत भी ना हो और वो वाराणसी के जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जायजा ले सके। काशी में पीएम मोदी की नाइट वॉक कोई पहली बार नहीं है जब मोदी ने रात में निकलकर अपने आलोचकों और विरोधियों की नींद उड़ाई हो। दो महीने पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए भी रात का वक्त चुना था। अगर पब्लिसिटी में इमेज ही सब कुछ होती है तो सोमवार की आधी रात काशी की गलियों में आम लोगों के बीच पीएम मोदी की इमेज और ज्यादा चमक गई। समर श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की समान और उल्टी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन राजनीति में समान प्रतिक्रिया नहीं होती है बल्कि दोगुने जोर से प्रतिक्रिया होती है, और इसीलिए काशी का ये जो 2 दिन का दौरा था उस पर खूब और हर दिशा से छींटाकशी की जा रही है। एक तरह से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसका जो टेम्पो है वो सेट हो चुका है। लेकिन काशी से अब हम रुख करते हैं कश्मीर का, खबरों की दिशा को कश्मीर की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह का आतंकी हमला कश्मीर में देखने को मिला है वो एक बार फिर चिंताएं बढ़ाता है। 25 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के सवार थे उस एक बस में जब यह हमला हुआ था, 3 जवानों को हमने गंवा दिया है। इस हमले में ASI गुलाम हसन, कांस्टेबल शफीक अली और कांस्टेबल रमीज अहमद शहीद हो गए। आज जब इन तीनों जवानों के पार्थिव शरीर इनके गांव पहुंचे तो अंतिम विदाई के लिए भारी भीड़ थी। लोगों की आंखों में आतंकियों के लिए आक्रोश था और अपने सपूतों के लिए गर्व। कल श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकियों ने छुपकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बस पर हमला किया था। हमला जैश ए मोहम्मद की टीम बी कहे जाने वाले कश्मीर टाइगर्स के आतंकियों ने किया था। आतंकियों ने जिस तरीके से रेकी की, पुलिस की बस पर गोलियां चलाई, उसे 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के
रूप के तौर पर देखा जा रहा था। इस हमले के लिए आतंकियों ने पूरे रूट की रेखी की थी, पुलिस की बस आने से पहले से इंतजार था। सबसे पहले आपको उस बस को देखना चाहिए जिस पर यह हमला हुआ था। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने इस बस के हर एक हिस्से को आज तक के कैमरे में कैद किया। आज तक पर हम उस बस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये वो बस है जिसको चारों ओर से गोलियों से हमला किया गया, और इनफैक्ट अगर अंदर भी हम सीटों पर देखते हैं कई सारे गोलियों के निशान हैं, जिससे साफ ये हो जाता है कि किस तीव्रता और कितना खतरनाक ये आतंकी हमला इस बस पर जेवन इलाके में हुआ है। इस बस को कल शाम को पुलिस ने उस जगह से हटाया जो करीब यहाँ से 200 मीटर दूर है, जहाँ पर इसको टारगेट किया गया था, और अब इसको पुलिस हेडक्वार्टर्स जेवन लाया गया है। इस पर सैकड़ों गोलियां चलाई गई हैं। कल तो कुछ कहा जा रहा था कि 40 या 50 गोलियां, ऐसा नहीं, यहाँ पर देख कर साफ दर्शता है कि जिस अंदाज से गोलियों के निशान बस के भीतर सीटों पर लगे हुए हैं, हर एक सीट, कोई भी सीट ऐसी नहीं दिख रही है जिस पर गोली का निशान न हो। यहां तक कि एक तो चारों तरफ से इस बस पर फायरिंग हुई है, और उसके साथ साथ भीतर भी जो है काफी सारे गोलियों के निशान इस बस में पड़े हुए हैं, जिससे इतना नुकसान, भारी नुकसान, जो जानी नुकसान है। इस बस में जो 25 पुलिसकर्मी थे उनमें से 14 को चोटें आईं, 3 पुलिसकर्मियों की जान गई, और 11 अन्य का इलाज श्रीनगर के सेना के अस्पताल में चल रहा है। यहाँ तक कि अगर इस हमले को देखें तो जब पुलिस का ने कुछ तफ्तीश की है बीती रात से, तो ये समझ आ रहा है कि ये संयोजित आतंकी हमला था जिसमें इस बस को टारगेट किया गया। ये बुलेट प्रूफ बस नहीं थी, वह यही कारण है कि जो गोलियां हैं अधिकतर जो हैं शिशु और इस बस की बॉडी से को छीनते हुए बस के भीतर चली गई हैं। और ये भी लग रहा है बस के अंदर देख कर कि अंदर या पास से शिशु के पास से तोड़ के वहाँ से भी गोलीबारी इस बस पर हुई है, जिसके नतीजे में इतना ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का हुआ है। ये बस श्रीनगर के अलग अलग इलाकों से पुलिसकर्मियों को लेकर अब वापस यहाँ मुख्यालय जो आर्मर पुलिस हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर का जेवन इलाके में, यहां लौट रही थी, लेकिन 200 मीटर पहले ही इस पर यह आतंकी हमला हुआ जिसमें ये पुलिस के जवान जो हैं इस आतंकी हमले का निशाना बने। यहां तक कि पुलिस का यह भी कहना है कि मंशा जो जैश के मिलिटेंटों की थी वो यही थी कि जो पुलिसकर्मी इस बस में सवार थे उनके हथियार छीने गए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन इस बस को पूरी तरह से चारों ओर से जिस अंदाज से गोलीबारी हुई है उससे साफ दिखता है कि किस तरह से संयोजित तरीके से इस बस पर जो है ये आतंकी हमला हुआ, और जिसमें पुलिस के 3 जवान जो हैं शहीद हुए और 11 अन्य जो हैं वो घायल हुए। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, जेवन पुलिस स्टेशन आज तक। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला गया। जो कॉन्वॉय के नियम थे उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया और उसका पालन भी हो रहा है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बस थी। और दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस इलाके में यह हमला हुआ है वहां पर अलग अलग जो हमारे CAPFs हैं उनकी और पैरामिलिट्री फोर्सेज की अलग अलग कैंप्स हैं, यानी कि वो भी एक हाई सिक्योरिटी जोन के तहत ही आता है, और ये एक बहुत डेयरिंग अटैक की कोशिश की है आतंकियों ने। दूसरी दिशा से ये देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो अब तक की जांच में उन्हें समझ में आया है कि वो हथियार लूटने के मकसद से आतंकी इस बस पर हमला कर रहे थे, हालांकि उनका मुकाबला डटकर किया गया था। क्या श्रीनगर के पंथा चौक पर पुलवामा पार्ट 2 की तैयारी थी? आतंकियों ने इलाके की पूरी रेकी की, इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हमले की प्लानिंग बनाई। पहले बस के टायर को पंक्चर किया, फिर अंधाधुंध फायरिंग की और गायब हो गए। ये पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की बौखलाहट है। ये लोग जवानों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में घाटी में जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, उसके बीच आतंकी अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं।
श्रीनगर के बाहरी इलाके जमन में हैं हम इस वक्त खड़े हैं और यहीं पर वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बस को आतंकी हमला हुआ, जिसको सोमवार शाम को करीब 5:05 पर जो है जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंटों ने अंजाम दिया, जो जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है। दरअसल अगर हम इस इलाके की बात करें, हमने यहाँ पर कुछ चश्मदीदों से भी बात की, उनका कहना है कि कभी यहाँ पर कोई आतंकी घटना नहीं घटी है, क्योंकि इस पूरे इलाके में आसपास जो है सुरक्षा शिविर है कई सारे सुरक्षा बलों के, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, और सेना का मुख्यालय भी ज्यादा दूर यहां से नहीं है। एक तरफ से पहाड़ी है, दूसरी तरफ से ये मैदानी इलाका है जहां से छोटी छोटी गलियां जो हैं इस सड़क तक आती हैं। जब ये बस कल शाम को 5:50 पर इस जगह पर पहुंची, यहां पर अभी भी आप देख सकते हैं कांच के टुकड़े जो बस के हैं वो अभी भी सड़कों पर बिखरे हुए हैं, और वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है इस बस पर जो है तीन तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 3 जवानों की जान गई। सवाल यह भी है कि कश्मीर के पंथा चौक को सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, फिर इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया? ये कश्मीर का वो इलाका है जिसे हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। सबसे पहले आप इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझिए। श्रीनगर के जिस पंथा चौक पर जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन पर हमला हुआ, वहां से सिर्फ 300 मीटर पर जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस का मुख्यालय है। इसके अलावा हमले की जगह से 700 मीटर की दूरी पर बीएसएफ का कैंप है। इसके अलावा 500 मीटर की दूरी पर भारतीय सेना का कैंप है, और श्रीनगर रोड पर 1 किलोमीटर की दूरी पर आईटीबीपी का कैंप है। शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मर्ड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा था, कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, 2 हॉस्पिटल में मार्टिरियम को प्राप्त किए, 1 आज अर्ली मॉर्निंग मार्टिरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था जिसमें 1 आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पंपर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमला हुआ, उस वक्त करीब 25 जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर पर वापस लौट रहे थे, लेकिन इससे पहले 3 आतंकियों ने घेर कर बस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 11 जवान घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमले में जैश के 3 आतंकी शामिल थे, इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। पुलिस अब आतंकियों की तलाश कर रही है। काफी बड़ा हमला है और एक एम्बुश लगाया गया, और जब जेवन जो हमारा आम पुलिस कॉम्प्लेक्स है, हेडक्वार्टर है, वहाँ सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ उनके भी हेडक्वार्टर है, और जनरली उस एरिया में डिप्लॉयमेंट रहा करती है। लेकिन यहाँ आज कल जो हादसा हुआ उस पे आरोपी उठ चुकी थी, उसके बाद ये मूवमेंट हुई है, इसीलिए उसका मौके का फायदा लेकर और अंधेरे का फायदा लेकर ये अटैक हुआ है। तो इस लगभग उसके बराबर नहीं कहूंगा, लेकिन उस किस्म का अटैक करने की कोशिश की। और अब उस चुनौती की बात करते हैं जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, और आज से नहीं लगभग 2 साल हो गए हैं तब से ये लड़ाई चल रही है। रूप बदल बदल कर कोरोना वायरस जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स के साथ सामने आता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है एक दिन के भीतर भारत में एक बार फिर डबल डिजिट ग्रोथ इसका देखा गया। महाराष्ट्र में 7 मामले आए, दिल्ली में 4 नए मामले सामने आए हैं, और महाराष्ट्र में जो 7 मामले सामने आए हैं उनमें किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है, उन्होंने यात्रा नहीं की है, यानी कि संक्रमण फैला है कहीं से उन तक। लंदन में तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है कि वहां की सरकार को बूस्टर डोज की शुरुआत करनी पड़ गई है। वहां से देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए सेंट्रल लंदन के अस्पताल सेंट थॉमस के बाहर वेस्टमिंस्टर ब्रिज तक कतार लग गई। इनमें से अधिकतर बूस्टर डोज के लिए आए थे।
ये तस्वीर बता रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में बुरी तरह आ चुके ब्रिटेन की सांसें फूलने लगी हैं। बोरिस जॉनसन की सरकार ने साल के आखिर तक ही समूची वयस्क आबादी को बूस्टर डोज लगा देने का लक्ष्य तय किया है। ब्रिटेन की सरकार ने सिर्फ वहां के लोगों को ही वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला नहीं किया है, बल्कि ब्रिटेन आए विदेशी भी सरकार की इस वैक्सीन नीति के दायरे में है। भारत से आई संतोष पुरी ने ब्रिटेन के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लगवाई है। आपको संतोष जी यहाँ वैक्सीन मिल गई, इंडिया से आए हैं आप? हाँ, तो आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट हियर, बिकॉज इन इंडिया में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स लगेंगे। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट हियर एंड फॉर्चुनेटली इट वॉज फ्री, नो मनी वॉज देयर। भारत से आने वाले लोगों को या कहीं भी आने वाले लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है? हाँ जी, यहाँ पे आपने पहले जो प्राइमरी कोर्स होते हैं कोविड वैक्सीन के, कहीं पे भी लगवाए हो किसी भी देश में, यहाँ पे आप बूस्टर लगवा सकते हैं उस देश में। सो किसी को भी बंदेज नहीं है कि वो नहीं लगवा सकता कि वो कहीं दूसरे कंट्री से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग आ रहे हैं आपको फॉरेनर्स बाहर से लगवा रहे हैं? कल भी मैंने 20-25 लोगों को तो किया था, वो सब सारे कनाडा से है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के साए में वैक्सीनेशन पर जोर देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अभी ओमिक्रॉन पर मौजूद वैक्सीन के प्रभाव को लेकर गारंटी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। Now the things are getting worse and worse now every day. So once you come, especially you get the Omicron done. Yes. And then, yeah. You want to have your New Year's. That's correct, yeah. To be safe, yeah. Yeah, especially like people are getting together now and getting some more parties and stuff, so it'd be better to be safe to have Omicron, yeah. The number of cases of Omicron are rising rapidly. It is expected that by the end of Christmas, this will become the dominant strain. Booster vaccinations are now being encouraged on a warpath. The duration between the second dose of the vaccine and the booster is now being reduced to 3 months. And there are walk-in centers everywhere in the UK where people are taking booster vaccinations. In fact, you can see huge lines. सोमवार तक ब्रिटेन में 44% कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन के थे और इसमें और इजाफे की ही आशंका है, जिसका असर क्रिसमस और नए साल की तैयारियों पर पड़ सकता है। ये कोविड वैक्सीन का वॉक इन सेंटर है और यहाँ पे कतार शुरू हो गई है। अभी बस वैक्सीन सेंटर खुला ही है और इससे पहले से यहाँ कतार मौजूद थी। मैंने खुद इस वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन, बूस्टर वैक्सीन लिया और करीब एक घंटा हमें खड़े रहना पड़ा। तो ओमिक्रॉन की वजह से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी टाइडल वेव कहा है, पहली मौत यहाँ ओमिक्रॉन की वजह से हो चुकी है, इसीलिए लोगों में हल्का सा डर तो है ही। ओमिक्रॉन ने दक्षिण अफ्रीका के बाद सबसे तेजी से ब्रिटेन में पांव पसारे हैं। ब्रिटेन में ही ओमिक्रॉन से एक मौत की पुष्टि हुई है। वैसे वायरस का ये रूप कम से कम 63 देशों तक दस्तक दे चुका है, जिसमें भारत भी है। भारत में ओमिक्रॉन के 57 केस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 13, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, चंडीगढ़, केरल और आंध्र प्रदेश में 1-1। इसके अलावा दिल्ली में 4 नए केस के साथ कुल 6 मामले अब तक सामने आए हैं। इस बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने माना है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें वैक्सीन निष्क्रिय हो सकती है। देयर इज अ पोटेंशियल सिनेरियो दैट आवर वैक्सींस मे बिकम इनएफेक्टिव इन इमर्जिंग सिचुएशन इन द वेक ऑफ द लास्ट 3 weeks ऑफ लिविंग विद ओमिक्रॉन। We have seen how such doubts have come up. Some of them may be genuine. We still don't have the final picture, and that worries us. जाहिर तौर पर ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में अलार्म बेल बज रहा है। हालांकि अब भी ओमिक्रॉन को लेकर राहत की बात यही है कि इसके अधिकतर केस सामान्य लक्षणों वाले हैं। ओमिक्रॉन की पहचान करने वालों में शामिल रही दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर एंजेलिक क्वेटजी ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले ज्यादा संक्रामक भले हो, लेकिन डेल्टा जितना घातक नहीं है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को चकमा दे सकता है, लेकिन हल्के लक्षणों की वजह से ये चिंता की बात नहीं है। कुल मिलाकर ओमिक्रॉन पर अब भी सस्पेंस की स्थिति है, इसीलिए सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है।
दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने 1996 में मिस यूनिवर्स कंपनी को खरीद लिया था। इसका एक हिस्सा उन्होंने 2003 में ब्रॉडकास्ट कंपनी NBC को बेच दिया था, लेकिन बाद में विवाद होने पर ट्रंप ने NBC से वापस हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसके बाद 2015 में ही ट्रंप ने कंपनी का पूरा स्टेक IMG को बेच दिया था। 2015 में इसकी वैल्यूएशन 5 से 25 मिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान था। हालांकि अब 6 साल बाद इसकी वैल्यूएशन कहीं ज्यादा होगी और अगले एक साल तक इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी हरनास की होगी। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन से दुनिया में जो पहली मौत हुई है वो कोई बहुत बड़े संकेत तो नहीं देती है, लेकिन हाँ, सावधानी का सबक जरूर देती है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।